अविभाजित मध्य प्रदेश पूर्व भाजपा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार सहाय के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश के कृषि और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान आया है। कमल पटेल का कहना है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से लोग चले जाते हैं। कमल पटेल रात में खरगोन पहुंचे। प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलें पर भी मंत्री कमल पटेल बोले, दीपक जोशी अभी गए कहाँ हैं? किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक बालराज मधोक जब पार्टी छोड़कर गए थे, उनके साथ चार लोग नहीं थे। देशी क्या दुनिया में हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का ख्याति जनाधार बड़ा है। कांग्रेस सहित दिग्विजय सिंह के अगले सीएम कमलनाथ के बयान पर भी मंत्री कमल पटेल ने कटाक्ष किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। माननीय मंत्री जी, कमलनाथ जी अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, पूरे उसी हिसाब से ये तो शेख चिल्ली का है। सुनो शेख चिल्ली जाते ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कमलनाथ जी। मुंगेरी लाल के देखिए, कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और इसलिए लोगों को रोके रखे ताकि कमलनाथ आ रहे हैं। यार कहाँ से आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कमलनाथ की चक्की बारीक पीसे कि अधिकारियों को धमकाते हैं, कभी किसी को धमकाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी, तुमने पिछले चुनाव में जनता के साथ छल किया, धोखा दिया, किसान को, मजदूर को, महिला, युवा वर्ग, दिव्यांगों तक, दैनिक बजरंग भोगी कर्म सबको कहा था करेंगे, किया कुछ नहीं। और इसलिए इस बार मतदाता और जनता की चक्की बारीक पीसेगी और कांग्रेस का सफाया करेगी। हम विचार कर रहे हैं, हमने पूरे आंकड़े और पूरा निकाला है कि छोटे किसानों का प्रीमियम सरकार भरेगी ताकि इनका बीमा हो जाए। जैसे प्राकृतिक आपदा आ रही, अच्छी खासी फसल आई और ओले गिर के खत्म हो गए तो छोटा किसान तो बर्बाद हो जाता है, और जब बड़े किसानों को बीमा मिलता तो छोटे में असंतोष होता है। इसलिए छोटे किसानों के लिए सरकार बनेगी सुरक्षा कवच और उनका बीमा हम कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।